तो आज हम लोग आ गए अनबाउड एसएमपी में। अगर विश्वास नहीं हो रहा तो देख लो यहाँ पे चैट चल रही है, और ऊपर देखो जो जो ऑनलाइन उनका नाम भी आ रहा है, अनबाउंड भैया भी लाइव है। और हम लोग एसएमपी में आए तो हमें क्या चाहिए शुरुआत में? ऑफकोर्स आयरन, ताकि हम अच्छा सा आयरन का आर्मर और कुछ टूल्स बना पाए। और गोल्ड भी मिल गए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कोई हमें यहाँ पे गोल्डन शावल दे नहीं रहा है ताकि हम लैंड क्लेम कर सके। अगर कुछ अच्छी चीज़ मिलेगी तो मैं आपको बताता हूँ। अरे यार कुछ तो मिल जाओ यार, वेट ये क्या है? ओ ये तो वो है ना, कैल्साइट शायद, या और यही जहाँ रहता है उसके आसपास एमिथिस्ट ब्लॉक भी रहते हैं। यानी यस, मेरा शक सही था। मैं इतना खुश इसीलिए हूँ क्योंकि मैंने 1.18 पहली बार खेला और मुझे पहली बार एमिथिस्ट मिला। मेरा जो वर्ल्ड है वो 1.18 नहीं है। ओके, तो ये हमारे घर पर बनाने में काम आ सकते हैं, इसलिए जितना हो सकता है हम इसे ले लेते हैं। क्या पता बाद में हम रास्ता वास्ता भूल जाए या ये लैंड ही कोई क्लेम कर ले। कुछ टॉर्चेस वॉचेस भी लगा देते ताकि मॉब स्पॉन ना हो, क्योंकि हमारे पास तो अभी कोई आर्मर वगैरह भी नहीं है। ओके, तो चलो हमने बहुत ज़्यादा मिथेस माइन कर लिया है और हमारा पिकेक्स भी टूट गया। अब चलो थोड़ा आगे देखते हैं क्या क्या मिल सकता है हमें। वेट व्हाट, यहाँ पे किसी ने सुरंग खोद रखी है? मतलब हमारा काम तो थोड़ा आसान हो गया। लाइक यहाँ पे अगर डायमंड वायमंड मिल गए तो बहुत अच्छा है। औकात मेरे, यहाँ पे तो हम ब्लॉक ही नहीं लगा सकते। जिसने भी ये किया है ना, मैं बता रहा हूँ कि सब दुगला बना। ओके भाई चलो आगे देखते कहीं से कुछ मिल जाए। ओ भाई यहाँ पे तो केव है। ए भाई दे भाई, बख्श दे भाई। अरे नहीं यार, सारा सामान चला गया यार, पैसा बर्बाद। और मोस्ट इम्पोर्टेंट एमिथिस्ट ब्लॉक देखो, पूरी इन्वेंटरी खाली है। एकदम शुरुआत की तरह। वेट व्हाट, मेरा सामान वापस आ गया? इसका मतलब मैं जब भी मरूंगा मुझे सामान वापस मिल जाएगा? ये तो बड़ी सही चीज़ है यार, ये तो हमारे सर्वाइवल मोड में भी होना चाहिए। लगता है मोजैंग से बात करनी पड़ेगी। औकात मेरे, चलो अब हम इन्हें एमिथिस ब्लॉक दिखाते हैं, देखते हैं इन्होंने कभी एमिथिस ब्लॉक देखा है या नहीं। हाँ, नेदराइट और डायमंड का आर्मर ज़रूर इन्होंने पहना है, पर एमिथिस ब्लॉक इन्होंने नहीं देखा होगा ज़रूर। वो देखो मेरे पास एमिथिस ब्लॉक है, इसे लगाने से आवाज़ें भी आती है, इसे तोड़ने से भी आवाज़ें आती है, देखो। अरे यार कोई देख ही नहीं रहा है, गजब बेइज्जती है। चलो अब इनके सामने लगाते हैं, अब तो दिखेगा। देखो देखो, अरे अरे तोड़ना नहीं है। अरे यार अजब तू बीवाज आदमी। वेट, वहाँ पे किन लोगों का घर है? चल के देखा जाए जरा। वाओ भाई क्या ही शीश महल बना रखा है, जरा हमें भी थोड़ा दे दो माल वाल। औकात मेरे, भाई आपका घर तो मस्त है, बट एक चीज़ आपने गलत कर दी, आपने ढलाई काफ़ी नीचे करवा दी है। अगर एकाक बच्चा बच्चा आ गया, कूद काद गया, सर्वर पे लग जाएगी, समझना चाहिए आपको। कोई सेंस है इस बात की? आप ही का एक बच्चा हो गया कल को तो। अश्लील है ये लोंडा। चलो भैया से पिकेक्स मांग के देख लेते हैं, बाकी सब ने तो ठुकरा दिया। शवल दे दो भाई, दे दो भाई प्लीज भाई, ये लड़का बहुत ही मेहनत कर रहा है भाई। प्लीज इस वीडियो को वायरल कर दो और सुपर से डुपर बना दो प्लीज। चुप, बिल्कुल चुप। ओके, तो भैया ने हमें शवल दे दी और मैंने ये देखा नहीं था, मैंने अभी जस्ट देखा अपनी इन्वेंटरी में, तो मेरे पास शवल आ चुकी है। भैया ही नहीं दिया होगा, पहले तो नहीं थी। चलो अब हम चलते और करते एक अच्छा सा लैंड क्लेम। ओके, तो हमारा लैंड क्लेम हो गया, बहुत मेहनत लगी। जहाँ भी जाओ बोल रहा है यू कांट बिल्ड हियर, साले मजाक बना के रखते हो। तो बहुत मुश्किल से एक एरिया मिला है और काफ़ी हमारे लिए। ऐसे भी ये टेम्पोरेरी एसएमपी है, अनबाउंड भैया ने बोला है ज़्यादा ग्राइंड नहीं करने, तो हम भी छोटा सा घर बनाएंगे और जब भी मेन एसएमपी आएगा हम वहाँ पर झोला उठाकर चल देंगे। अरे हम तो फकीर आदमी है, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। ओके, तो बगल में ही मुझे वुड मिल गया और ये एरिया किसी का है नहीं तो ले लेते हैं। और यार खाना भी मेरा ख़त्म हो गया है, क्रॉप्स व्रॉप्स तो यहाँ होंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे सब है खुद गर्ज आदमी, सब ने यहाँ पे लैंड क्लेम कर रखा है, उसी में अनाज उगा रखा है, हमें तो कोई देगा नहीं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ओके, यहाँ पे एक एरिया है, नहीं पता किसका है बट है, और मेरे घर मतलब लैंड क्लेम के बगल में ही है,
तो हम यहाँ पे अनाज उगा देते हैं, होप्सो को इसे डिस्ट्रॉय नहीं कर दे। ओके, मैंने यहाँ पे पूरा बाउंड्री कर दिया मेरे लैंड के लिए मैं, ताकि मैं हक से कह सकूँ कि ये मेरा एरिया है और इस एरिया में कोई भी इंटरेस्ट नहीं करना। चुप, बिल्कुल चुप। हेलो शिप, अरे आना भाई, बहुत भूख लगी है, प्लीज यार। हाँ चलो, खाने का इंतजाम हो गया थोड़ी देर के लिए। चलो एक चेस्ट बना लेते हैं ताकि थोड़ा इन्वेंटरी खाली हो, इसमें अपना वो सब रख देंगे जो भी हमें माइन करके मिला था। चलो इसमें हम अपना एमिथियस ब्लॉक ये सब रख देते हैं, और थोड़ा शुगर केन है हमारे पास, चुराया था मैंने, तो मैंने जिसका भी चुराया अगर वो वीडियो देख रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। चलो घर वर बनाने की तैयारियाँ की जाए, लकड़ी वकड़ी ले लेते हैं हम लोग। यार ज़ॉम्बीज आ गए यार, डर लग रहा है। हाँ ऐसे तो हमारा सामान कुछ जाएगा नहीं रहेगा, बट डर लग रहा है फिर भी, इज्जत का सवाल है और हमारा थोड़ा घर वर भी टूट जाएगा, घर तो है नहीं फिर भी। चलो हम आ गए किसी और के घर में छुप दें, एक रात की बात है बस। जिसका भी घर है वो देख रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। भाई इनकी पूरी अंडरग्राउंड खेती चल रही है यहाँ, और हमारे पास एक वक्त का खाना नहीं है। ये दुख का खत्म होता बे। ओके सुबह हो गई, सारी ज़ॉम्बीज मर रहे हैं, हम लोग भी चलते हैं। और .4447 थैंक यू फॉर वन नाइट, और लाइक शेयर सब्सक्राइब। चलो भाई थोड़ा दूसरे प्लेयर्स के साथ मजा कर लिया जाए, मारा पीटी हो जाए थोड़ा। सामान तो ऑफकोर्स नहीं आएगा बट मज़ा आएगा। और इनके पास तो कोई खास वेपन भी नहीं है, मेरे पास तो एटलीस्ट स्टोन के वेपन्स है। अरे नहीं यार, भागो यार भागो, मेरे पास खाना भी नहीं, तेज भी नहीं, भागूंगा मैं। ओके चलो, मार खा के वापस आ गए हम लोग। अब हमें बनाना है एक शीप फार्म, क्योंकि हमें खाना चाहिए थोड़ा, बट हमारे पास वीड तो है नहीं, तो इन्हें अंदर कैसे लेके जाए वहाँ फेंस तक समझ ही नहीं आ रहा है। ओए चल चल, हाँ वेरी गुड वेरी गुड, यस यस। चलो एक शीप तो कैप्चर हो गई, अब एक और चाहिए ताकि हम उन दोनों के बीच में। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना? सर, आई वांट टू रीच 1 मिलियन। औकात मेरे। सो प्लीज सर पकड़ा है। फलक शगाफ ये जुनून, थ्रू द स्काइज एंड द स्टार्स एंड द मून।